सभी लोगों को साफ पानी पीने का अधिकार है, इसलिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम शुरू किया है। लेकिन रामगढ़ जिले के प्रखंड मांडू के अंतर्गत पिंडरा गांव में आज भी लोग गंदा पानी पी रहे हैं। गर्मी के मौसम आते ही वहां कुएं सूख जाने के कारण लोगों को पानी की खोज में दूर दूर तक जाना पड़ता है। लोगों ने कई बार पदाधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। दाग लगेगी नेतार दिन तो बड़ी तकलीफ ना लिया दाग के वाले न्याम उम्मू लगी बड़ी तकलीफ नहीं लगी माँ तो जहाँ ले कतले जोगाड़ी उम्मू लगी इन्हें कोई गिलीन दिली ले लूर कबा इन्हें तो गी सबोगो में इन्हें तो गी उम्मू में तो आदत तीनों सब फाम था है ना है से बा आदो को मिला ये मंजी लो गंदर रहता है तो पुकरी होता ले बा कुई होता ले बा तो आर बहुत बहुत आदिवासी लगी ये तो सरकार तो लगू कदा बोले तलाव देंगे कुया देंगे इंद्रावास देंगे तो आले लगी तो चे की बनू कोई की बनू को तालिया कोई मुखिया की सरपंच की कोई ले लगी देखभाल लगी तो कोई की बनू कुआ बपला करे तो अपना ते कर दो में दा दो टंकार ते मंगावा में ते उनी तो बाई के कमासे है। मैं आप सभी वीडियो देखने वालों से अपील करती हूं कि प्रखंड मांडू के प्रखंड विकास पदाधिकारी जय कुमार राम को उनके कॉन्टैक्ट नंबर 8084383406 पर कॉल कर इस समस्या से अवगत कराएं, ताकि पिंडरा गांव में पानी की उपलब्धता जल्द से जल्द कराई जा सके। मैं बसंती सोरेन, प्रखंड मांडू, जिला रामगढ़, झारखंड से इंडिया अनहर्ड के लिए।